आप सबका आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम सीखेंगे सुत प्रवृत्ति योजित विधि द्वारा भाग विधि भाग करना। तो इस पहले हमें जान लेना है कि जो प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ मीनिंग हम पहले जानते हैं। तो ये उसका अर्थ होता है अपना सुत प्रवृत्ति योजित का अर्थ समझ लेते हैं हम पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। इसका जो अर्थ है वो है इसका पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण एक अर्थ होता है इसका, पक्षांतरण करके उपयोग करना। ठीक है साधु, इस पहला इसका उस अर्थ है आपका पक्षांतरण करके उपयोग करना। दूसरा है कि दूसरा अर्थ इसका ये निकाल सकते हैं, विलोम संक्रिया का प्रयोग करना। ठीक है साथियों, दो अर्थ है इसके, पक्षांतरण का उपयोग करना, विलोम संक्रिया का प्रयोग करना। जैसे कि ये ए एक्स प्लस बी बराबर सी है, ठीक है साथियों, ये मैं एक्स बराबर सी माइनस बी, इस बी को मैंने पक्षांतरण किया, इधर प्लस था उधर जाके अपने पास क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी चीज को हम अब भाग विधि के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे कि अपना सवाल है ये आपका 1154 भाजक 103। ठीक है दोस्तों, अब इसके इस विधि से भाग करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से तीन खंड बना लेने, कितने साथियों, तीन खंड। यहां पर आपको जिसका भाग देना है उसको यहां लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके हम ये जो है आधार हम मानते हैं, इसका आधार मानेंगे अपना इसके 100 के पास में है, इसका आधार अपना हो जाएगा बराबर, आधार बराबर 100। ठीक है दोस्तों, आधार अपना 100 है, इसका विचलन 100 से कितना ज्यादा या कितना कम वो देखते हैं। अपना विचलन कितना हो गया बराबर 0.3, यहां हम 0.3 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा है कि विलोम संक्रिया का प्रयोग करना है हमें, तो विलोम संक्रिया का प्रयोग मतलब ये है कि जो अपना विचलन है इसका चिन्ह हमें बदलना है। ठीक है दोस्तों, ये वैदिक गणित के अंदर जो माइनस जो है ऊपर बार के रूप में लगाते हैं, इसलिए यहां पे इस प्रकार से लिखा। अब आती इस प्रकार इस कॉलम की बारी, इस कॉलम में हम कितने लिखे और इस कॉलम में कितने लिखे। अपने आधार में 2 0 है, तो हम इसमें से इकाई की तरफ से 2 अंक इस कॉलम में लिखेंगे, बाकी जो अंक बचते हैं वो इस कॉलम में मध्य खंड में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, अब आपको क्या करना है, यहां पे एक लाइन खींच लेनी इस प्रकार से, और जो संख्या यहां है उसको जैसा है वैसा वैसे यहां पे हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, इस एक को इस 0.3 से, इस एक को 0 बार 3 बार से गुणा करेंगे, अपने पास क्या आएगा 0 बार 3 बार यानी माइनस के 0.3 आएंगे, ये 0 और ये माइनस के 3 आ गए। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया, फिर अपने पास यहां पे चलेंगे इनको जोड़ेंगे, अपने पास क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब इस 1 को हम वापस इस 0.3 से गुणा करते हैं, अपने पास क्या आएगा 0 माइनस के 0.3 आएगा, यहां हम लिखेंगे माइनस के 0 और माइनस के 3, फिर हम इनको जोड़ते हैं, अपने पास 4 में से 3 घटा देते हैं तो अपने पास 1 बच गया, और 5 में से 3 घटा दी, माइनस का है बाहर का मतलब क्या है, माइनस है, 5 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास 2 आ गया। इस प्रकार देखिए साथियों, ये आपके पास इस कॉलम में जो आता है वो आपका शेषफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका शेषफल है जो 103 से कम है, और ये आपका भागफल है, मध्य खंड के अंदर हमेशा भागफल ही आएगा।
साथियों हम एक और सवाल करके देखते हैं, आपके पास ये इस प्रकार से सवाल है, 1358 में 100 का भाग देना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीन कॉलम बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तीन कॉलम बना के आप यहाँ पर पहले जिसका भाग दे रहे हैं 113 उसको यहाँ पे लिख देंगे, और पहले आप मान लेते हैं इसका आधार कितना है। ये चूंकि 100 के पास में है इसलिए हम आधार आपका 100 मानते हैं। विचलन आपका जो है आपका 13 है, और परिवर्तित अंक क्या है साथियों, परिवर्तित अंक यानी विलोम जो आपका एक बार तीन बार यानी 13 माइनस के 13 हो गए। अपना यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, विचलन यहाँ 13 लिखते हैं और फिर अपना ये 13 एक बार तीन बार लिखते हैं। अब चूंकि अपने पास आधार में दो जीरो है तो इस संख्या जो भाज्य है उसके हम दो अंक इसमें लिखेंगे, बाकी शेष बचे अंक इस मध्य खंड के अंदर लिखेंगे, और इसके बाद इस प्रकार से आप लाइन खींच देंगे। ये पहला अंक जो है आपका जैसा है वैसा ही रखना है। इस अंक को इस परिवर्तित अंक से जो विलोम जो अंक है उससे माइनस इससे माइनस 13 से गुणा करना है, एक गुणा एक बार तीन बार माइनस 13 से गुणा करेंगे, यहाँ एक बार आएगा यहाँ तीन बार आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें जोड़ना है, इस वाली लाइन को 3 और माइनस 1, ठीक है, इनको जोड़ेंगे अपने पास क्या आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा साथियों, 2। अब इस 2 को क्या करना है, इससे गुणा करना, वापस ये जो माइनस के 13 है ये 2 गुणा एक बार तीन बार यानी माइनस 13, इससे गुणा करेंगे अपने पास क्या आएगा, 13 को 2 से गुणा करते हैं माइनस के 26 आते हैं, 2 बार 6 बार, ये 2 के बाद लगा दिया 6 के भी बार लगा दिया, यहाँ माइनस यहाँ से बाकी निकालते हैं अपने पास छोड़ते हैं अपना, ये अपना 8 है ये माइनस के 6 है, अपने पास क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, यहाँ 5 में ये माइनस 3 है 2 बच गया, 2 में से 2 माइनस से गए अपने पास 0 बच गया, ठीक है ना साथियों। तो अपने पास शेषफल जो है वो आपका 2 आ गया 0 2, और भागफल आपका बराबर 12 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम एक अगला सवाल और कर लेते हैं जिसमें हमें तीन कॉलम बनाने हैं, कितने साथियों, 3 कॉलम, और यहाँ आधार सबसे पहले हमें मानना है, आधार आपका बराबर 100 है तो विचलन आपका कितना है, आपका 100 से कम है माइनस के 12, एक बार माइनस नहीं लगाते बार लगा देते, इसका विलोम या परिवर्तित अंक दोनों हम कह सकते हैं वो आपके पास इसका प्लस का 12 रहेगा। आप यहाँ पर 88 लिखेंगे और सीधे ही आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप सीधे ही यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, दूसरा वाला लिखने की जरूरत नहीं है। आधार में 2 0 है तो यहाँ पे आपके 2 अंक हो जाएंगे, और इधर आपके पास बीच में 2 अंक इस प्रकार से आपके बच जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ लाइन खेल देते हैं, एक जैसा है वैसा यहाँ रखेंगे, और इसको एक को 12 से गुणा करते हैं, अपने पास 12 आ गए, एक यहाँ रखा 2 यहाँ रखा, इसको हम जोड़ते हैं अपने पास 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस 5 को इस 12 से गुणा करते हैं, अपने पास आ गया 12 मुझे 60 आ गया, 60 को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और इनको हम जोड़ते हैं, तो ये अपने पास जोड़ेंगे अपने पास 2, और ये आपके पास क्या आया, देखिए 3 2 5 6 11 112 आ गया। अब 112 जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे 88 से बड़ा है, यानी कि हमें यहाँ पे संशोधित भाज्य याद करना पड़ेगा, इसमें एक बार और भाग देना पड़ेगा। अगर हम इसमें अपने पास 112 में एक बार 88 का भाग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये एक बार और चला गया तो यहाँ पर 15 में एक और जुड़ जाएगा, क्या करेगा 15 में एक और जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से इधर तो आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ पर अपना जो बाकी निकाल लेंगे 12 में से 8 गए तो 4, फिर 10 एक उधार दिए 10, 10 में से 8 गए तो 2, इस प्रकार से आपका जो भागफल है वो तो
16 है और शेष वाला आपका 24 है। तो साथियों आपने एक सवाल और करते हैं, ये पाठ्य पुस्तक के सवाल है, अच्छा इसके इसमें आपने पास क्या है आधा, इसमें मान लेते हैं 100, ठीक है ना दोस्तों, आधा 100 है तो विचलन आपका कितना हो गया, ये आपका 23 हो जाएगा। और परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा, परिवर्तित अंक या विलोम अंक ये आपके पास माइनस में इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे तीन कॉलम इस प्रकार से बनाएंगे, जिसका भाग देना उसको यहां रखेंगे, और आधार में दो जीरो है, इसमें से दो संख्या इधर रखनी है तीसरे खंड में, बाकी जो बची संख्या वो हम मध्य खंड के अंदर रखेंगे। यहां हम समझ में आने के बाद परिवर्तित अंक सीधे ही लिख सकते हैं, उनको लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास क्या करना है, इसको यहां रखेंगे, ये एक है, एक को जैसा है वैसा रख देंगे, इस एक को इस माइनस 23 से गुणा करना, अपने पास क्या आएगा, दो बार तीन बार यानी माइनस के 23 आए, ये दो बार तीन बार, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें जोड़ना है, चार है ये प्लस के माइनस है दो के, अपने पास क्या आएगा, ये दो आएगा, प्लस के दो यहां लिख दिए, इस दो को, इस दो को हम क्या करते हैं, इस दो माइनस के 23 से गुणा करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस के 46, 23 गुणा 46 होता है, तो यहां पर हम 46 लिखेंगे, ये चार बार और छह। तो अपने पास क्या करना है, इनको ये आठ है, आठ में से तीन घटाएंगे, पांच, पांच में चार घटाएंगे, अपने पास एक बच गया, इस एक को, इस एक को इस तीन 23 से गुणा करना, माइनस एक गुणा दो बार तीन बार, माइनस के 23 आएंगे, इसको जो कि वैदिक गणित में बार के रूप में लिखते हैं माइनस को, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब यहां पे अपने को क्या करना है, जो यहां पे देखिए अपने पास माइनस का 23 आया, ये माइनस का दो बार और माइनस का तीन बार, इस प्रकार से लिख दिया। अब यहां हम जोड़ना है, पांच है माइनस के आपके पास तीन है, अपने पास क्या बचेगा, दो आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये आठ है, आठ में छह माइनस से घटाने, दो बचेंगे, दो में से दो घटाएंगे, जीरो बचेगा, भागफल है वो 121 हो गया, और शेषफल आपका 02, ये आपका आंसर हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।